ये बात मैं बहुत पहले से करते हुए आया हूं कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन हैक हो जाएगा। ठीक है, हम आए दिन बात करते हैं लोगों की जिनका फोन हैक हो गया या किसी ने कोई अकाउंट हैक कर लिया फेसबुक का। वहां तक तो ठीक है क्योंकि कोई एक आदमी है वो अपनी सिक्योरिटी का अगर ध्यान नहीं रख पाता, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है तो समझ भी आता है। नासा हैक हो जाए तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये पहली बार नहीं है कि नासा हैक हो गया है, पहले बहुत बार हुआ है। 15 साल 21 साल के लोगों ने, युवाओं ने नासा को हैक कर दिया, शट डाउन कर दिया, लेकिन ये बात बहुत पुरानी रही। लेकिन मैं आज बात करूं कि अभी मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर ये चीज़ हो जाए तो इसको क्या कहा जाए। अभी एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके मुताबिक नासा को सिर्फ एक $35 के रेस्बेरी पाई से, अगर आप देख सकते हैं रेस्बेरी पाई, एक $35 के रेस्बेरी पाई से नासा को हैक कर दिया गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ इससे। ये क्रेडिट कार्ड जितना बड़ा कंप्यूटर है जो कि आपके पावर बैंक से कनेक्ट होकर ऑन हो जाता है, और इससे नासा को हैक कर लिया गया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रेस्बेरी पाई है क्या। देखिए, ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। इसमें आपको प्रोसेसर है, अंदर रैम है, और इसमें जो आप हार्ड डिस्क या स्टोर करने के लिए जो भी है उसको आप मेमोरी कार्ड लगाकर इसमें स्टोर कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, पावर सोर्स वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो, इवन कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हो। ये किस लिए बनाया? ये उन लोगों के लिए बनाया जो असली कंप्यूटर, बड़ा वाला कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उन देशों के लिए बनाया जहाँ के बच्चे कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बड़े कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको ये $35 का कंप्यूटर मुहैया कराया गया जिससे वो प्रोग्रामिंग, पाइथन वगैरह सीख सके। दो तीन कंपनियां मिलकर आईं और उन्होंने अपने पार्ट्स वगैरह एकदम किए, प्रोसेसर वगैरह की कंपनी आई और उन्होंने ये बनाया, ARM चिप्स वगैरह इसे कंबाइन करके ये कंप्यूटर बना। उसके बाद जब हॉबिस्ट हैं या लोग DIY प्रोजेक्ट बनाने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्रोन बनाने वाले लोग, रोबोटिक्स, रोबोट बनाने वाले लोग ने भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हैकर्स ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन नो डाउट ये एक पूरा कंप्यूटर है, इसके अंदर रैम है, सब कुछ है, और ये सिर्फ $35 का आता है। तो हैकर्स की ये तो बहुत पहली पसंद है क्योंकि इसको लगाकर कहीं हैकिंग मशीन के तौर पर लगा के छोड़ सकते हैं $35 का। बड़े कंप्यूटर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के कंप्यूटर को थोड़ी छोड़ सकते हैं, उतना बड़ा साइज में होता है, ये तो छोटा सा है। इसका इस्तेमाल किया गया। तो नासा की एक लेबोरेटरी है, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, JPL, मतलब शॉर्ट फॉर्म में JPL बोलेंगे, उसका फुल फॉर्म है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। और यहां पर क्या क्या होता है, जितने भी स्पेसक्राफ्ट जाते हैं उनका कम्युनिकेशन, जितने भी स्पेसक्राफ्ट जाते हैं बाहर, जैसे लोअर ऑर्बिट में जा रहे हैं, बाहर वाले ऑर्बिट में जा रहे हैं, और स्पेस में मंगल ग्रह पर जितने भी खोज हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब वहीं से ऑपरेट की जाती हैं। तो हैकर्स ने क्या किया, इसको कहीं कंप्यूटर कहीं पर कनेक्ट कर दिया, लगा दिया और डेटा चुरा लिए। 23 फाइल्स चुरा ली जिसका टोटल साइज था 500 MB। यहाँ पर ये मैं न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे। अब तो सुरक्षित रखना पड़ेगा नासा को भाई, अगर कोई एक छोटे से रेस्बेरी पाई से उनके सिस्टम को हैक कर ले रहा है, दैट मीन्स बहुत सारे फ्लो हैं, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और आज अब भी होंगी, क्या पता अब भी हो सकती हैं, लोगों ने ढूंढ के नहीं निकाली लेकिन अब भी होंगी, किसी वल्नरेबिलिटी का ही तो फ़ायदा उठा के हैक किया गया ना, तो अब भी होंगी। तो उसके बाद वो हैकर्स ने ऐसे ही नहीं छोड़ा, वो DSN तक पहुंच गए। अब आप बोलेंगे DSN क्या है, डीप स्पेस नेटवर्क। ये नासा का ऐसा नेटवर्क है जितने भी स्पेसक्राफ्ट की कम्युनिकेशन होती है, जितने भी अंतरिक्ष में यान जाते हैं, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ, हिंदी में कहूँ, जितने भी अंतरिक्ष में यान जाते हैं उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन, जो बातें हो रही हैं, जो भी डेटा शेयर हो रहा है, वो उस नेटवर्क से होते हैं। अब लोअर ऑर्बिट में अगर कोई चीज़ है तो उसे ट्रैक करना, उसमें बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई चीज़ दूर मंगल ग्रह या ऑर्बिट के बाहर चली जाती है तो उससे संपर्क साधना बहुत ही मुश्किल है। इस संपर्क को साधे रखने के लिए DSN काम करता है, डीप स्पेस नेटवर्क काम करता है। वहाँ भी ये लोग घुस गए और वहाँ से भी इन्होंने जो सीक्रेट फाइल्स होती हैं वो एक रेस्बेरी पाई की मदद से चुरा ली। अब जो इंटरनेशनल एरे ऑफ टेलीस्कोप्स हैं, मतलब बहुत सारे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में नासा के टेलीस्कोप लगे हुए हैं जो कि इन सबको ट्रैक करने में, स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक करने में, और जितनी भी बाहर सोलर सिस्टम को समझने में जो भी प्रक्रिया चल रही है, जो भी स्टडीज़ हैं वो उसके थ्रू होती हैं, उन सबके नेटवर्क को एक रेस्बेरी पाई से हैक कर लिया। बाद में जब ये पता चला कि डेटा वगैरह लीक हो गया, डेटा वगैरह ब्रीच हो गया, तो उसके बाद जो भी उसके टूल थे साइबर सिक्योरिटी के, उनसे फिर से ठीक किया गया, कनेक्शन काटा गया और फिर से रिपेयर वगैरह किया, जो भी लोग करते हैं, जो भी कांड हो जाता है उसके बाद जो चीज़ें करते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि नासा
फिर से हैक हो गया। ये कौन हैकर्स हैं, कहाँ से आए, इसके बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं। ये तो अभी न्यूज़ में आया, ये रिपोर्ट सामने आई, तो मैंने सोचा मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना दूँ जो कि साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड है, तो उन्हें पता रहना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। और रेसबेरी पाई के बारे में एक और न्यूज़ आ रही है कि रेसबेरी पाई का एक नया मॉडल भी आ रहा है जो कि इसी प्राइस में आएगा और वो 4K वीडियो को 60 FPS पे प्ले करेगा। आप समझ सकते हैं कितनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए इससे। जो अभी मेरे पास मॉडल है इससे भी पावरफुल मॉडल आने वाला है। ये तो नॉर्मल सा मॉडल है, इतना ये 4K वीडियो प्ले नहीं कर सकता। तो वो जो मॉडल आएगा वो $35 का ही होगा और 4K वीडियो 60 FPS में प्ले कर सकेगा। तो और ज़्यादा पावरफुल ऐसा सिंगल बोर्ड कंप्यूटर इसी प्राइस में, तो कंप्यूटर बहुत सस्ते होने वाले हैं। अगर ये इतना पावरफुल होता रहा तो इसकी मदद से कंप्यूटर्स आप घर में बना सकते हैं। तो ज़रा सोचिए इसके बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आप भी हैकिंग सीखना चाहते हो, ये हैकिंग नहीं, अच्छी वाली हैकिंग लोगों की मदद करने के लिए, और कंप्यूटर्स को और नज़दीक से, सिस्टम्स को, सिक्योरिटी को और नज़दीक से समझना चाहते हो, इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो वो भी हिंदी में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो। 3 हैकिंग कोर्सेज हैं, क्विक हैक, टेक मास्टर एंड अभी लेटेस्ट आया है हैक स्टार्स। कोई भी एक कोर्स चुन लो, पढ़ो, सीखो, कुछ नया जानो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन से दबा के सब्सक्राइब करें, फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको अपडेट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।